कृष्णा, मैं कृष्ण वंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एकदम सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हेल्दी पालक चीजी पराठा प्रसादम रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम पालक को अच्छी तरीके से 3 से 4 बार बहते हुए पानी में धो लिया है। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको छलनी में छान लेना है और ऊपर से ठंडा पानी डालना है, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद मिक्सी के जार में आधी हरी मिर्च ऐड करनी है और बॉयल्ड पालक ऐड करना है और इसकी प्यूरी तैयार करनी है। प्यूरी तैयार करने के बाद में एक बाउल लेना है, उसमें 2 कप गेहूं का आटा लेना है, नमक स्वादानुसार, तिल सर्दियों में हमें अपने खाने में ऐड करने चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इससे पराठे का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, आधा ही चम्मच काली मिर्च, रोस्टेड जीरा, ऑरिगेनो, अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें डालें। अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर आप हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऐड करनी है अपनी पालक प्यूरी। तो ये जो पालक प्यूरी है इसको आप ऐड करें और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। पानी की आवश्यकता हो तो आप वही पानी यूज़ में लें जो आपने बॉयल करने में यूज़ लिया था पालक को, और इसका नरम आटा गूंथें। गूंथने के बाद में 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ें। उसके बाद में हमें बनानी है इसकी लोई। तो सबसे पहले इसमें से एक हमने पेड़ा लेना है और लोई बनाने के बाद सूखे आटे से उसको डस्ट करना है, गोल बेलना है, ऊपर से चीज़ स्लाइस रखनी है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डालनी है। और अब हम अपनी चीज़ स्लाइस को आटे से इस तरीके से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद थोड़ा सा सूखा सा आटा इस पर हमें डस्ट करना है और उसके बाद बेलना है। ये पराठे बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे और ये पराठे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। गरम गरम बनाएं, भगवान को ऑफर करें और गरम गरम ही प्रसाद रूप में लें। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं ये। दोनों तरफ से हमें इसको अच्छी तरीके से सेकना है, दबा दबा के इस तरीके से। गैस का फ्लेम है वो हमें लो मीडियम रखना है। लो मीडियम गैस पर ही जो पराठे हैं वो हमारे अच्छे तरीके से सिकते हैं और जो अंदर से चीज़ है वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अब हमें इस पे घी लगाना है और देखिए ये पराठा हमारा कैसा फूल गया है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके फूले फूले यमी यमी चीज़ी पराठे बनके तैयार होंगे। दोनों तरफ घी लगाने के बाद में हमें इसको वापस सेकना है। ये पराठे आप चटनी के साथ, दही के साथ, माखन के साथ या अपनी मन पसंदीदा सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये प्रसाद रूप में आप बनाइए। बनाने के बाद में सबसे पहले जगन्नाथ जी को ऑफर करिए तुलसी दल रखकर, उसके बाद ही प्रसाद रूप में लें, क्योंकि हम कृष्णाटेरियन हैं और कृष्ण प्रसादम ही लेते हैं। ऊपर मैंने इसके माखन रखा है, दही और ये टमाटर की मैंने स्मोकी चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी आप जगन्नाथ किचन में जाके देख सकते हैं। साथ में ही अब आपको क्या करना है, यमी यमी प्रसादम भगवान को ऑफर करने के बाद लेना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो फिर इसको क्या करना है, सब्सक्राइब। इससे हमें बस खुशी मिलती है। और कमेंट करें, आपके कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम और भी यमी यमी प्रसादम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए चारों तरफ पूरा चीज़ी चीज़ी हो गया है हमारा पालक का पराठा। साथ में ही आपको और कौन सी रेसिपी अच्छी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। अगली बार मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। हरे कृष्णा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए शुद्ध और सात्विक प्रसाद लें, खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।